गोंडा में फर्जी भूमि घोटाले के दूसरे मास्टरमाइंड तलिक राम सिंह की जेल जाने के 24 घंटे के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मौत ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में ला दिया। साथ में जेल प्रशासन और भूमि घोटाले को लेकर अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक भूमि घोटाले का दूसरा मास्टरमाइंड था, जिसे 24 घंटे पहले ही जेल भेजा गया था, लेकिन उसके संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ पे करीब 12:30 के आसपास उसने शिकायत की कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर आए, जेल में बैरक खुलवा करके उसका उपचार किया गया और उसको जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। सुबह 5:30 के आसपास फिर उसकी रिपोर्ट लगी कि मुझे फिर दर्द हो रहा है और सांस लेने में कठिनाई हो रही है। जेल एम्बुलेंस से और जेल गार्ड की अभिरक्षा में उसको जिला अस्पताल भेजा गया। करीब 5:20 में भेजा गया था उसको और वहाँ भर्ती होकर के उपचारित किया जाने लगा। सुबह 7:20 पर हमें खबर आई कि उसकी उपचार के दौरान मृत्यु।